हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में TVS राइडर 125 के बारे में कुछ प्रैक्टिकल बातें जो आपको सिर्फ इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो यहाँ पे आपको 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक BS6 इंजन मिल रहा है FI के साथ। 5 स्पीड गियर बॉक्स इसमें आपको मिल जाते हैं और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, किक का कोई ऑप्शन नहीं है। मैक्स पावर 11.38 PS की और मैक्स टॉर्क 11.2 NM का यहाँ आपको देखने को मिलता है। ये जो पर्टिकुलर इंजन है ये अंडर स्क्वेयर इंजन है। अंडर स्क्वेयर इंजन के अपने ही कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। अंडर स्क्वेयर इंजन इसलिए क्योंकि इसमें मिलने वाली बोर साइज 23.5 mm जो कि कम है, इसमें मिलने वाले स्ट्रोक साइज 55.5 mm के मुकाबले। मैंने जैसे कहा था कि अंडर स्क्वेयर इंजन के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदों के बारे में सुन लेते हैं। तो यहाँ आपको फ्यूल इफिशियंट इंजन है। ये अंडर स्क्वेयर इंजन जितने भी होते हैं सारे के सारे यही टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, यानी इन्हीं बेनिफिट्स पे काम करते हैं। तो ये इंजन एक फ्यूल इफिशियंट इंजन आपको यहाँ मिल रहा है। कम RPM पे भी आपको अच्छा टॉर्क यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा, ऐसा इस इंजन की बनावट है। इसके अलावा मान लो आपने किसी स्पीड ब्रेकर को लादा, वहाँ पे स्पीड कम कर किया, उसके बाद लादा, उसके बाद फिर गाड़ी को अगर सडनली उठानी है तो वहाँ पे इस तरह के अंडर स्क्वेयर इंजन आपको हेल्प करते हैं, यानी इनिशियल पिकअप बेहतर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कम स्पीड में यानी कम गियर में किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हो तो वहाँ पे भी अंडर स्क्वेयर इंजन आपको हेल्पफुल साबित होता है। वैसे इसके अलावा और भी इंजन टेक्नोलॉजीज है, वो भी कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी पे इसी तरह के बेनिफिट्स पे काम करते हैं, लेकिन अंडर स्क्वेयर इंजन अपने आप में बेहतर साबित होता है। नुकसान देखो नुकसान ज़्यादा तो नहीं है, कहीं ना कहीं हाई एंड परफॉर्मेंस आपको कम मिलता है, लो एंड परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत मैं कहूंगा जो है दिक्कतें आती है, तो इस तरह के हैं। बाकी फायदे ही फायदे इसके होते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की, मजबूती की। इस पूरी गाड़ी पे कुछ हद तक प्लास्टिक मटेरियल यूज करा गया है। साइड पैनल्स जैसे कि आप इमेजेस में देख रहे हो ये पूरी तरह से प्लास्टिक के हैं और इन्हें अगर आप फील करोगे तो कुछ हद तक कॉस्ट कटिंग नजर आती है। इसके अलावा पूरी गाड़ी पे बेहतर मटेरियल यूज करा गया है, चाहे वो आयरन मटेरियल हो, फाइबर मटेरियल हो या फिर किसी और चीज से बनाया हुआ मटेरियल हो। सीट क्वालिटी भी काफी अच्छी है, लेदर यहाँ बेहतरीन नजर आ रहा है और पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो सिंगल क्रेडल ट्यूबलर चेसी पे यानी इस फ्रेम पे इसे जो है कंस्ट्रक्शन इसका करा गया है और फिर अपने आप में बेहतर क्वालिटी यहाँ नजर आ रही है। तो ये एक चीज है कि बिल्ड क्वालिटी में भी ये गाड़ी आपको काफी अच्छी जो है नजर आने वाली है। पावर टू वेट रेशियो एक ऐसी चीज होती है जो जितना ज्यादा रहा किसी भी गाड़ी में उतना ही गाड़ी के लिए बेहतर साबित होता है। तो पर्टिकुलर इस गाड़ी में ये कितना है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से कर्व वेट जो है यहाँ पे आपको 123 kg का मिल रहा है और जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था कि इसका मैक्स पावर आपको 11.38 PS मिल रही है इस TVS राइडर में। इस हिसाब से अगर इस पूरे कैलकुलेशन का मोरल निकालो तो यहाँ पे 92.52 HP पर टर्न का ये पावर टू वेट रेशियो इस गाड़ी में आपको मिल रहा है। इसके अपने ही कुछ बेनिफिट्स होते हैं और मैं कहूँगा ये जितना ज़्यादा होता है, थोड़े टाइम पहले भी मैंने कहा, उतना ही गाड़ी के लिए बेहतर साबित होता है। क्या है इसके फायदे जानेंगे इस वीडियो में आगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि इसमें आपको इसके जो रेवल्स है उनके मुकाबले कितना अच्छा है ये पावर टू वेट रेशियो। तो NS125 जो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, इसमें आपको 83.26 HP पर टन का मिल रहा है जो पूरी 9.26 HP पर टन के हिसाब से कम है राइडर के मुकाबले। वही ESP 125 ये काफी बेहतर गाड़ी है होंडा की ओर से आने वाली, इसमें भी आपको एक पॉइंट से जो है वो कम मिल रहा है। ग्लैमर में भी 7.60 HP पर टन के हिसाब से कम ही आपको मिल रहा है। तो मोरल यही है कि राइडर 125 में सबसे ज्यादा पावर टू वेट रेशियो नजर आता है। वैसे ESP भी इसको कड़ी कंपटीशन देता है, एक पॉइंट यानी 19 BC है। तो ये मैं कहूंगा दोनों के दोनों गाड़ियां पावर टू वेट रेशियो काफी बेहतर मेंटेन जो भी है अपने आप में कर रही है। क्या होते हैं इसके फायदे, देखो पावर टू वेट रेशियो जितना ज्यादा रहा उतना गाड़ी के लिए बेहतर इसलिए होता है क्योंकि इनिशियल पिकअप आपका अच्छा हो जाता है। गाड़ी पे अगर लोड है दो बंदे तीन बंदे, तीन मत बिठाना लेकिन फिर भी कुछ वेट रखा है आपने दो बंदों के साथ, तो ऐसे में भी गाड़ी आपकी चढ़ान पे भी अच्छी खासी स्मूथली चढ़ जाती है। ऐसे इसके बेनिफिट होते हैं और भी कई सारे होते हैं, तो ये राइडर में ज्यादा देखने को मिल रहा है। मैं कहूंगा ये बेहतर है, टेक्निकली इसके इंजीनियर्स ने यहाँ काफी अच्छा गेम खेला हुआ है। फिर एक और बात आ जाती है कि जो कर्व वेट है वो अगर गाड़ी का ज्यादा रहा, मतलब प्रोपोर्शनेट रहा, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम मैं नहीं कह रहा हूँ,
तो ऐसे में गाड़ी हाईवे पे हाई स्पीड पे स्टेबल चलती है, कम रहा तो डेफिनेटली हवा के झोंके से या फिर बाजू से ट्रकें जा रही है ऐसे में लहराने लग जाती है, उड़ने लग जाती है। तो ज़्यादा कवरेज डेफिनेटली एनएस में आपको मिल रहा है, जो राइडर है उसमें आपको जो जितना मिल रहा है उसके हिसाब से वो सही है, लेकिन उससे ज़्यादा एनएस में मिल रहा है, बाकी सभी गाड़ियों में 19-20 का फर्क है। इसमें नुकसान एक और भी आ जाता है कि ज़्यादा कवरेज अगर रहा तो हाई स्पीड में आपको ब्रेकिंग के थोड़े बहुत इश्यूज आ जाते हैं जो कि इतने अच्छी अप्लाई नहीं हो पाते हैं। तो ब्रेक मान लो ज़्यादा टाइट भी रहा, अच्छा खासा रहा, लग भी जाए तो फिर टायर स्कीड होता है, ऐसे में गाड़ी स्कीड होने के बाद अपन गिरने के चांसेस भी होते हैं। तो ये कुछ फायदे नुकसान हर चीज़ के हैं, यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर सिर्फ राइडर की बात करो तो इसमें ब्रेकिंग भी बेहतर मिल रही है, ड्रम और डिस्क दोनों आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं आगे के टायर में, पीछे तो सिर्फ ड्रम ही मिल रहा है। इसके साथ आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जैसा फीचर इसके अंदर आपको मिल रहा है, तो ये भी एक बेहतर चीज़ है। इसके अलावा अगर इस राइडर को सिटी में राइड करना चाहो तो यहाँ पे टर्निंग रेडियस काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करता है। टर्निंग रेडियस की आधारशिला रखी जाती है व्हील बेस के आधार पे। व्हील बेस यानी दो टायर्स के बीच का डिस्टेंस, ये जितना कम रहा उतना ही गाड़ी के लिए बेहतर होता है कम जगह में घुमाने के लिए टर्निंग रेडियस। तो यहाँ पे आपको 1326 mm का मिल रहा है, जो मैं कहूँगा ठीक ठाक है। ठीक ठाक क्यों है, क्योंकि अपने राइवल्स के मुकाबले एनएस की अगर बात कर जाए तो ये 27 mm ज़्यादा है, वही SP125 का 41 mm कम है और वो ग्लैमर का 53 mm कम है। यानी कि एनएस का तो ज़्यादा है लेकिन राइडर के मुकाबले एसपी और ग्लैमर का कम आपको मिल रहा है, तो राइडर बीच में आ जाती है। तो यहाँ पे आपको टर्निंग रेडियस भी अच्छा खासा मिलेगा, ना ज़्यादा ख़राब ना ज़्यादा अच्छा। लेकिन व्हील बेस का एक और बेनिफिट आपको हाईवे पे मिलता है, जैसे जितना मैंने कहा टायर जितने व्हील बेस जितना कम रहा उतना बेहतर होता है, लेकिन उतना मैं कहूँगा स्टेबिलिटी भी उसमें कम मिलती है। अगर थोड़े से दूर रहे टायर्स, जैसे क्रूजर बाइक होती है लंबे टायर्स होते हैं बीच में गैप होता है, तो ऐसे में हाई स्पीड पे गाड़ी स्टेबल चलती है क्योंकि दोनों टायर्स दूर रहते हैं, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी वेट काफ़ी अच्छी बनाकर चलते हैं, रोड पे गाड़ी पूरी प्रोपोर्शनेट चलती है, उस वजह से गाड़ी मैं कहूँगा स्टेबल चलती है अगर व्हील बेस ज़्यादा अच्छा रहा, व्हील बेस बड़ा रहा तो। तो इसके फायदे नुकसान दोनों आ जाते हैं। वही गाड़ी की ओवरऑल पूरी की पूरी हैंडलिंग को बेहतर बनाने का काम इसके टायर्स करते हैं, और मैं कहूँगा सिर्फ टायर्स ही करते हैं, बाकी चीज़ें भी करती हैं लेकिन टायर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कॉर्नरिंग लेनी हो गाड़ी को स्टेबल चलाने में चलानी हो तो ये टायर्स की कहानी है पूरी। यहाँ राइडर में आपको फ्रंट में 80x100 और रियर में 100x90 सेक्शन के टायर्स मिल रहे हैं 17 inches के। और वही अपने राइवल्स जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो तो पल्सर के टायर्स मैं कहूँगा थोड़े से ब्रॉड नज़र आ जाते हैं, बाकी सभी के लगभग 19-20 के फर्क से सिमिलर नज़र आ रहे हैं। TVS राइडर में जो ग्राउंड क्लियरेंस से 180 mm का मिल रहा है, जिस वजह से आप लॉन्ग राइड तो कर ही सकोगे, इसके अलावा अगर खराब रास्तों पे चलना हुआ तब भी नीचे से कुछ चांस नहीं है कि आपकी गाड़ी को कुछ हीट हो जाए लग जाए, बड़े से बड़े स्पीड ब्रेकर को भी आराम से जो भी है क्रॉस करा लेगी। इस गाड़ी में आपको 780 mm की पूरी सीट हाइट मिल रही है, स्प्लिट सीट यहाँ मिल रही है। पोस्चर और पोजीशन देख ली जाए तो राइडर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, थोड़ी सी नॉर्मल सी झुकी हुई ज़रूर है लेकिन आप लॉन्ग राइड कर सकते हो, इसके दौरान आपको थकान इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होने वाली। और रियर सीट यानी पिलियन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा बड़ा स्पेस मिल जाता है। अगर आप किसी सिंगल साइड किसी को बिठाते हो, घर में लेडीज़ होती है मम्मी दादी, ऐसे किसी को बिठाते हो तब भी वहाँ पे कंफर्टेबली कोई बैठ पाएगा, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली, और इसी के साथ आप थोड़ी बहुत लंबी राइड भी कर सकते हो। 780 mm की सीट हाइट जैसे मैंने कहा, तो अगर आपकी ओवरऑल हाइट 5.3 feet या फिर 5.4 feet भी है तब भी आप इसे आराम से चला सकते हो, यानी शॉर्ट राइडर्स भी इसको चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी हाइट 5.5 feet है तो फिर सवाल ही नहीं उठता, डेफिनेटली आप बेहतर इस गाड़ी को चला सकते हो। इसके अलावा इस गाड़ी में अपने आप में कुछ बेहतर फीचर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हो। चार्जिंग पॉइंट यहाँ मिलता है लेकिन ऑप्शनल है, एसेसरीज के तौर पर आपको सर्विस सेंटर से जो डीलर है वहाँ से मिल जाएगा, आप चाहो तो ले सकते हो, ना चाहो तो कोई बात नहीं। सर्विस ड्यू इंडिकेटर इसमें मिल रहा है, और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पूरी तरह से जो है डिजिटल मिल रहा है, जिसके अंदर आपको
स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक, इसके अलावा राइडिंग मोड्स भी आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, इको और पावर, इंटीगो जो भी ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, इंजन इनहिबिटर मिल रहा है, हेलमेट रिमाइंडर, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, पैसेंजर फुटरेस्ट, इंजन किल स्विच, हेडलाइट ये एलईडी में मिल रहा है, टेल लाइट भी एलईडी का मिल रहा है, टर्न सिग्नल लैंप जो भी है ये आपको बल्ब में मिल रहा है, मैं कहूँगा कि यहाँ थोड़ी कॉस्ट कटिंग नज़र आ जाती है। इसके अलावा एलईडी डीआरएल्स मिल रहे हैं और फिर लो बैटरी इंडिकेटर्स यहाँ आपको मिल रहा है, जो एक अच्छी चीज़ है। इन सभी फीचर्स के साथ साथ ये पूरी की पूरी गाड़ी आपको दिल्ली एक शोरूम प्राइस रेंज के हिसाब से 77,000 से लेके 86,000 के बीच में मिल जाती है। और जैसे मैंने कहा, इसके दो वेरिएंट आते हैं, ड्रम और डिस्क, कई सारे कलर्स ऑप्शंस भी इसके अंदर है। तो ये प्राइस जो है, मैंने कहा दिल्ली एक शोरूम के हिसाब से है, आप आपके नज़दीकी शोरूम पर जाकर इसकी एक्चुअल ऑन रोड प्राइस कितनी है डेफिनेटली आप पता कर सकते हो। इसके अलावा प्राइस हर जगह अलग अलग होती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर TVS की आफ्टर मार्केट सर्विस कैसी है, सर्विस नेटवर्क कैसा है, और फिर इस पर्टिकुलर राइडर के स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं सर्विस नेटवर्क की। तो TVS ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया का, इंडियन मैन्युफैक्चरर है और बहुत जगह पे इसके जो है सर्विस नेटवर्क फैले हुए हैं। सर्विस जो है इनकी पहले के मुकाबले अब डेफिनेटली थोड़ी इम्प्रूव हो चुकी है। पहले कई सारे लोगों की परेशानी थी, दिक्कतें थी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, सर्विस वाले सेंटर वाले इतनी अच्छी जो भी ये सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, गाड़ी की सर्विसिंग भी इतनी अच्छी नहीं कर पा रहे, कुछ रिपेयरिंग है तो वो भी इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, ये सारे प्रॉब्लम्स कुछ महीनों पहले आया करते थे, अभी भी कुछ जगह पे है, लेकिन आप खुद चेक करना चाहो तो कर सकते हो, गूगल के जो रेटिंग्स है वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, और नीचे कमेंट्स भी करे होते हैं लोगों ने, 2 स्टार, 3 स्टार, कई जगह पे 4 स्टार, कई जगह पे 5 स्टार भी है, कई जगह पे 1 स्टार भी है, तो ये चलते रहता है, कस्टमर कभी सेटिस्फाई नहीं होता, ये चीज़ें होती रहती है। खैर, तो सर्विस नेटवर्क कुछ इस तरह के इनकी, और फिर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की अगर बात करूँ, तो अगर आपके पास TVS राइडर है तो और आप सिटी में रहते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, सिटी में इसके स्पेयर पार्ट अच्छी खासी जगह पे अच्छे खासे अवेलेबल हो जाएंगे, विलेजेस में कुछ हद तक इसके स्पेयर पार्ट मिलना मुश्किल है, तो आपको सिटी का ही सहारा लेना पड़ेगा, या फिर लोकल मैकेनिक के पास अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी इसके मेजर ऑफ द जो क्वांटिटी होती है स्पेयर पार्ट की वो अवेलेबल नहीं है, कुछ हद तक मिल जाएंगे, कुछ हद तक परेशानियाँ जो है आपको हो सकती है। अब आइए मोरल की बात कर लेते हैं कि किन लोगों को इस गाड़ी को जो है खरीदना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए। अब देखो, वैसे ना खरीदने वाली तो बात इसमें ऐसी कुछ है नहीं, प्राइस भी अच्छी है और माइलेज भी अच्छा है और फीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन पर्टिकुलर किन लोगों को इसे ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। देखो, अगर आप 125 सीसी की कोई स्टाइलिश बाइक देख रहे हो, आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, बजाज ने क्या किया, पल्सर उतार कर वही किया कि जो हाई एंड सेगमेंट की, बड़े सेगमेंट की सीसी की गाड़ी नहीं ले सकते, उनको 125 सीसी में NS उतार करके परोस दिया, भाई ये लो, ये आपको अच्छी भी दिखेगी और चलाने में भी बेहतर है, फील आपको 160 NS का आएगा। वैसा ही है TVS का भी, स्टाइलिश गाड़ी, आप बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं ले सकते, छोटे सीसी की गाड़ी से काम चला सकते हो, तो फिर ये है ऐसे लोगों के लिए। उसके अलावा फीचर लोडेड गाड़ी है, आपके ज़रूरत के सारे फीचर्स इसमें भरे गए हैं, मोड्स जो है पावर मोड और इको मोड, ये इसमें एक अच्छी चीज़ है, डेली लाइफ में इतने यूज़फुल नहीं है, आप इको में ही चलाओ बेहतर रहेगा। डेली आपका अप डाउन अगर होता है, मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, आपकी राइडिंग है, कहीं ज़्यादा जाना आना होता है, जैसे स्विगी जोमेटो वाले आप हो, डिलीवरी बॉय हो, इसके अलावा आपको स्मूथ सस्पेंशन चाहिए, यानी पीठ में कंधों में थोड़े बहुत दर्द होते रहती है, इसके सस्पेंशन मैंने कुछ चेक करे हुए काफ़ी स्मूथ है, जिसके फायदे है कि आपको आरामदायक राइडिंग फील होती है, लेकिन हाईवे पे कॉर्नरिंग लेने में दिक्कतें आती हैं, तो आप चाहो तो आप टाइट भी करा सकते हो इसे, तो ऐसा है। मैक्सिमम सिटी यूज़ अगर आपका होते रहता है, मिनिमम ही आपकी लॉन्ग राइड होती है, ज़्यादा नहीं, मतलब 50-60-70 किलोमीटर तक कभी कभी जाना हो जाता है, लंबा एक ही टाइम में आना जाना, तो ऐसे लोगों के लिए ये गाड़ी है मैं कहूँगा। अगर ये सारे यूजेस आपके हैं तो आप इसे खरीद सकते हो। अब अगर आप भी इस पर्टिकुलर गाड़ी को यूज़ कर रहे हो तो आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्रोज कॉन्स के साथ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, ट्विटर की भी दे रखी है, फेसबुक की भी दे रखी है, और अगर चाहो तो कमेंट में भी लिख कर भेज सकते हो। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपके द्वारा भेजा गया रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपके नाम के साथ साथ यहाँ साइड में डिस्प्ले करके बाकी लोगों को बताऊँगा, जिससे होगा ये कि आपके द्वारा, मेरे द्वारा थर्ड पर्सन की हेल्प हो जाए कि इस गाड़ी को खरीदना कितना फायदे का सौदा है।
यही चीज है और यही इस आस्क ऑटोगुरु चैनल की पहचान भी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर जरूर फॉलो करें। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।